गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 है। पढ़ेंगे इसे जल्दी जल्दी फास्ट, आज चैप्टर को हम पूरा फिनिश कर देंगे। गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड एंटिसिपेट्स दैट 90% लर्निंग कर्व विल अप्लाई टू द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू आइटम। एक न्यू आइटम के हम बना रहे हैं जिसके लिए द फर्स्ट आइटम विल कॉस्ट 2000 इन मटेरियल एंड विल टेक इन 500 लेबर आवर्स। द कॉस्ट पर आवर्स ऑफ लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड ऑफ इज 5 रुपीज। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट फॉर द फर्स्ट यूनिट एंड फॉर द फर्स्ट 8 यूनिट। देखा, ये कह रहे हैं कि हमारा 90% लर्निंग कर्व है, फर्स्ट आइटम बना रहे हैं जिस पे हमारा जो मटेरियल लगता है वो 2000 रुपये का लगता है एंड 500 रुपये की लेबर एंड टेक इन 500 लेबर्स आवर्स, यानी कि 5000 हमें 500 हमें घंटे लगते हैं उसको बनाने में। कॉस्ट कह रहे हैं कि जो लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो 5 रुपये पर है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमें फर्स्ट यूनिट कितने में पड़ेगी और अगली 8 यूनिट हमें कितने पे पड़ेगी ये हमें बताना है ना। तो पहली सॉल्यूशन देखेंगे इसका टेबल बनाकर। पहली यूनिट फर्स्ट, सेकंड डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि 8 यूनिट तक हमें बताना है। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे जो लेबर्स आवर्स लगते हैं वो लगते हैं 500 घंटे। अगली जब हम 2 यूनिट बनाएंगे, सेकेंड यूनिट डबल करेंगे तो 90% रेशो के हिसाब से हमारे घंटे लगेंगे 450। अगली जो 4 यूनिट होगी उसके लिए हमारे 450 का 90% निकालेंगे तो आएगा 405। अगली जब 8 यूनिट बनाएंगे तो हमारा जो टोटल आएगा 405 का 90% 364.5। इतने हमारे आवर्स लगेंगे अगली यूनिट्स के लिए। तो इसका अगर हम कम्युलेट बनाएंगे, कम्युलेट करेंगे तो इसको आ जाएगा हमारा 3916। कितना जाएगा 3916, इसको अगर कम्युलेट करेंगे। और अगर पहली यूनिट में हमारा घंटे लगेंगे 500 और 8 यूनिट पे हमारे घंटे लगेंगे 2916। अब इसकी कॉस्ट निकालेंगे इसी तरह से फास्टली। पहली मटेरियल फर्स्ट कोट में मटेरियल 2000 रुपये का, लेबर है लेबर एंड ओवर हेड में हमारे 500 घंटे लगते हैं, 5 रुपये के हिसाब से 2500। टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी हमारी हो जाएगी 4500 और एवरेज कॉस्ट 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी एवरेज कॉस्ट 4500। अगर हम 8 यूनिट बनाएंगे तो 2000 × 8 = 16000 रुपये हमारी कॉस्ट आएगी। और लेकिन घंटे जो हमारे लगेंगे वो लगेंगे 2916 घंटे। 2916 को हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो 14580 रुपये हमारे आएंगे। टोटल कॉस्ट बैठेगी हमारी 30580। तो 30580 को हम 8 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3822.50। ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी इसमें। तो ये था हमारा 7 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जल्दी देखेंगे फास्ट, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। योर कंपनी has been approached by a customer to supply 4 units of a new product made to the customer's individual specification. The company experienced a 90% learning rate. 90% learning rate. The estimated labor for the first unit of this product is 150 hours and a company's direct labor cost is 5 rupees per hours. Estimate the labor cost for this order. पहला हमें देखिए, पहले एक बार दोबारा समझ लेंगे। एक कंपनी है, उसको एक कस्टमर ने अपना स्पेसिफिकेशन देकर इंडिविजुअली एक नया प्रोडक्ट बनाने को लिए कहा है और उन्होंने, कंपनी जानती है कि 90% लर्निंग रेट रहता है वहाँ, हम 90% सीख जाते हैं। और जो एस्टिमेटेड लेबर टाइम है फर्स्ट यूनिट के लिए 150 घंटे लगते हैं और जो लेबर कॉस्ट आती है वो 5 रुपये पर घंटा लगती है। तो 3 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछे हैं। पहला है एस्टिमेटेड द लेबर कॉस्ट फॉर दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के लिए कितनी हमारी कॉस्ट आएगी।
After receiving the first order, if the customer place a repeat order, what will be labor cost for the second order? क्या cost आएगी labor second order के लिए? और if the customer had ordered all 8 unit at the same time, calculate the labor cost per unit for the combined order. अगर 8 unit का ही order दे तो combined order क्या रहेगा, यह हमें बताना है। तो solution देखेंगे इसका। Firstly, टेबल बनाएंगे, वही अपना यूनिट प्रोड्यूस, पहले यूनिट बनाएंगे, फिर दूसरी बनाएंगे, फिर इन दोनों का डबल हो जाएगा दूसरी दो, इन दोनों का डबल करेंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि 1, 2, 4, 8, इस तरह से हमारी यूनिट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो कम्युलेटिव हमारा लर्निंग रेट है हमारा 90%, पहली यूनिट पर हमें 150 घंटे, दूसरी जब हम दो यूनिट बना लेंगे दूसरी यूनिट, तो हमारा 150 घंटे का 90% यानी कि 135 घंटे लगेंगे। फिर अगली जो यूनिट बनाएंगे हम, तो हमारा 135 का 90% यानी कि 121.5 घंटे लगेंगे, और अगली यूनिट पे हमें 121.5 का 90% 109.35 घंटे लगेंगे। तो टोटल लेबर जो आएगी हमारी वो आएगी 150 घंटे, 270 घंटे, इसको हम मल्टीपल करेंगे किससे, टोटल यूनिट से। पहली यूनिट 1 × 150, 150, 2 × 135, 270, 4 × 121.5, 486, और 8 × 109.35 यानी कि 874.8, इतने घंटे हमारे इसमें लगने हैं। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट पहली यूनिट के लिए, ये कह रहे हैं पहली यूनिट के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट, कॉस्ट जो होगी वो 486, यानी कि पहले जो हमें ऑर्डर मिल रहा है वो लेबर कॉस्ट फॉर दिस ऑर्डर, चार यूनिट का हमें ऑर्डर मिला है पहले, तो चार यूनिट को हम मल्टीपल करेंगे 5 से, यानी कि 486 मल्टीपल 8 इज इक्वल टू 2430। तो पर यूनिट जो हमारी कॉस्ट आएगी 4 से, हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4607.5 पर यूनिट हमारी इसमें लेबर कॉस्ट आएगी अगर हम चार यूनिट इसमें बनाते हैं। अगला कहते हैं टोटल आवर्स स्पेंट, अगला जो हमारा इन्होंने पूछा है कि आफ्टर रिसीविंग द फर्स्ट ऑर्डर, अगर हम पहले ऑर्डर रिसीव करते हैं उसके बाद वो हमें सेकंड ऑर्डर मिलता है तो क्या कॉस्ट आएगी, है ना। आफ्टर रिसीविंग द प्लेस द ऑर्डर विल देट द, अगर दोबारा से हमें वो चार यूनिट का ही ऑर्डर दे रहे हैं तो अगली चार ऑर्डर यूनिट का ऑर्डर देंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी, यानी कि 8 हो जाएगी, 8 × 109 यानी कि 874.8 आवर्स लगेंगे। लेस फर्स्ट ऑर्डर में हमारे 486, यानी कि अगली ऑर्डर में हमें 388.8 आवर्स लगेंगे, 388.8 आवर्स को मल्टीपल करेंगे 5 रुपये से तो हमारा का आएगा 1944, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 यूनिट से तो हमारी जो लेबर कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 486 पर यूनिट। एक कॉस्ट अगली जो ऑर्डर होगा उसका जो कॉस्ट आएगी वो आएगी हमारी 486 पर यूनिट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि अगर सारा का सारा ऑर्डर हमें पहली बार ही मिल जाए, फर्स्ट टाइम मिल जाए, तो हमारा 8748.8 5 रुपये के हिसाब से 4374 हमारा कॉस्ट आएगी टोटल। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4374। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 8 यूनिट से तो हमारे पर यूनिट कॉस्ट भी इसमें निकल के आ जाएगी कि पर यूनिट हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 500 के आसपास लगभग हमारी पर यूनिट कॉस्ट बैठेगी इसमें, एक ही बार ऑर्डर मिलने के बाद, ठीक है। तो द टोटल कॉस्ट शुड बी सेम वेदर द टू सक्सेसिव ऑर्डर वर प्लेस्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑर्डर इट कम वंस, अगर चाहे एक बार मिले चाहे दो बार मिले हमारी टोटल कॉस्ट सेम ही आती है। तो यही हमारा अब तक का था, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे उसमें लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे जब हमारी जूम की क्लासेस होगी या जो हमारी ऑनलाइन क्लास चलेगी उसमें आप इसकी क्वारीज एक बार पूछ लीजिएगा जो भी आपको पूछना हो, क्योंकि क्लासेस में ये तो वीडियो एक बार आपको रिवाइज कराने के लिए है, बाकी सारी वीडियो जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें हम आप सबको उसमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगा, ठीक है।
टेक केयर।